हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरबी फंटासी 7। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए का जो सेकंड मैच होने वाले हैं, लॉस एंजल लेकर्स यानी एलएल वर्सेस ब्रुकलिन नेट्स यानी बीकेएल के बीच में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे नए हो तो चेक करना सब्सक्राइब किया है नहीं, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ साथ आप हमारे फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर लिंक वर्क नहीं करते तो सीधा टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @RBFantasy7। 1K+ वाला सब्सक्राइबर वाला आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सारे अपडेट्स और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर ये दोनों टीम का अगर कंपैरिजन करें तो लास्ट मैच 17 फरवरी को दोनों भी टीम यहाँ पर खेल के आ रही है। उसी के साथ साथ दोनों भी टीम ने यहाँ पर लास्ट मैच यहाँ पर विन कर लिया। अगर रिसेंटली कुछ मैच की बात करें तो ब्रुकलिन्स लास्ट 4 out of 4 मैच यहाँ पर विन होकर आ रही है। उसी के साथ साथ लॉस एंजल लेकर्स लास्ट 4 out of 3 मैच यहाँ पर विन हुए। उसी के साथ साथ एक मैच यहाँ पर लॉस हुआ है। लॉस एंजल लेकर्स के जो प्लेयर है इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों टीम स्ट्रांग है। उसी के साथ साथ अगर पॉइंट टेबल पर देखेंगे तो ब्रुकलिन नेट्स यहाँ पर पॉइंट टेबल पर सेकंड पोजीशन पर है, 18 win, उसी के साथ साथ 12 loss। उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे लॉस एंजल लेकर्स तो यहाँ पर लॉस एंजल लेकर्स भी यहाँ पर 22 win और 7 यहाँ पर लॉस। तो लॉस एंजल लेकर्स ने यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा मैच यहाँ पर विन कर लिए। उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लॉस एंजल लेकर्स की तरफ से आपको डी चार्डलर एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पॉप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यल जेम्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, काइली कुजमा इन्होंने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पर ए डेविस यहाँ पर खेल नहीं रहे, इंजरी की वजह से आउट है। उसी के साथ साथ आपको यल जेम्स इन पर भी गेम GTD गेम टाइम डिसीजन है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी कन्फर्म नहीं है, ये भी थोड़े से इंजरी से यहाँ पर जूझ रहे। बाकी यहाँ से आपको यम गैसोल ऐसे एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस इनका बेस्ट था, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, जेल में आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो ये 5 starter आपको इस टीम की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंजरी की वजह से यहाँ पर यल जम्स जो गेम टाइम डिसीजन है, ए डेविस जो कि यहाँ पर आउट हो चुके हैं, उसी के साथ साथ के एंटेना ये भी यहाँ पर आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से। और उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे बीकेएन यानी ब्रुकलिन्स की तरफ से तो ब्रुकलिन्स की तरफ से के रिविंग पर यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है, GTDA लास्ट मैच में यहाँ पर आउट हो चुके थे, अभी इस मैच में यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी कंफर्म नहीं। बाकी यहाँ से लास्ट मैच में टी जॉनसन ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, अगर यहाँ पर के रिविंग खेलते तो फिर यहाँ पर टी जॉनसन एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। बाकी यहाँ पर अभी के लिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, के इरविंग खेलते तो के इरविंग स्टार्ट करेंगे, अगर के इरविंग नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर टी जॉनसन एज अ स्टार्टर खेलेंगे। उसी के साथ साथ जॉर्डन हार्डी यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेलेंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ से बी ब्राउन एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर के ड्यूराट यहाँ पर आउट हो चुके हैं। उसी के साथ साथ जेग्रीन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ डी जॉर्डन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 5 starter आपको देखने को मिलेंगे। टी जॉनसन कब स्टार्ट नहीं करेंगे, के इरविंग यहाँ पर खेलेंगे तो स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी यहाँ पर सभी यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर इनके ये रेगुलर स्टार्टर है। बाकी यहाँ से अगर बात करूँगा यहाँ पर तो लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस रहा था दोनों टीम का, तो विदाउट के इरविंग की खेल रही थी टीम, तो यहाँ पर टी जॉनसन ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, अच्छे खासे पॉइंट इन्होंने भी दिए थे। यल शेलमैन को हमेशा से अच्छा खासा टाइम मिलता है, उन्होंने भी यहाँ पर अच्छे खासे टाइम दिए थे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस जे हार्डन की अगर बात करूँ तो बेस्ट टेस्ट चॉइस आज के मैच के लिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर के इरविंग नहीं खेल रहे थे, के इरविंग का सेकंड मैच का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 31 minutes के लिए थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 14.4 rebound, उसी के साथ साथ 3 assist और 2 block। जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज रहा था, 34 minutes के लिए थे, 23.4 rebound, उसी के साथ साथ 4 assist और 1 steal। उसी के साथ साथ यहाँ पर खेलते तो अच्छे खासे पिक, यल सेलमेंट यहाँ पर बैंस से खेलेंगे और टी जॉन्स यहाँ पर बैंस से खेलेंगे। और टी जॉन्स ने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था क्योंकि के इरविंग यहाँ पर खेल नहीं रहे थे, एज ए स्टार्टर खेलते हुए 32 minutes खेले थे, 17.5 rebound। यर सेलवेन बैन से बेस्ट प्लेयर है, लास्ट मैच 28 minutes खेले थे, उसी के साथ साथ 13.2 rebound 2 assist 1 block और 1 steal। जो सेकंड मैच रहा था यल सेलमेंट यहाँ पर भी बैन से खेले थे, के इरविंग भी खेल रहे थे और बैन से अच्छा खासा यल सेलमेंट को टाइम मिलता है। बाकी टी जॉनसन एज ए बैन से खेले थे, उसी के साथ साथ पॉइंट भी अच्छे खासे इन्होंने भी दिए थे, क्रेडिट से और मिल जाएंगे, 4 credit के प्लेयर है, 23 minutes खेले थे, 10 point, उसी के साथ साथ 2 assist भी किए थे। तो बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे क्रेडिट से और उसी के साथ साथ यल सेलमेंट बैन से खेलेंगे और बेस्ट बेंच प्लेयर है। उसी के साथ साथ हार्डिन बेस्ट एसपी चॉइस आज के मैच के लिए। लास्ट मैच अगर देखेंगे तो यहाँ पर के इरविंग नहीं खेल रहे थे, तो के इरविंग विदाउट के इरविंग हार्डिन का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 37 minutes में 38 point, उसी के साथ साथ 7 rebound 10 assist और उसे एक स्टील किया था। बाकी आपको हर मैच में यहाँ पर ये 10+ rebound देने वाले। जो सेकंड मैच की अगर यहाँ पर भी बात करूँ तो यहाँ पर भी 10+ assist यहाँ पर आपको देने वाले। अगर यहाँ पर इस मैच में भी देखेंगे तो 11 assist यहाँ पर भी। जो सेकंड मैच हुआ था तो यहाँ पर भी 35 minutes खेले थे, 29 point 13 rebound और उस यहाँ पर भी
10 प्लस असिस्ट और इसी के साथ साथ एक ब्लॉक किया था। और जो थर्ड मैच था तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 16 असिस्ट, उसी के साथ साथ रिबाउंड भी यहाँ पर अच्छे खासे दिए थे। तो यहाँ पर रिबाउंड असिस्ट और पॉइंट आपको अच्छे खासे देने वाले। अगर के इरविंग नहीं खेलते तो बेस्ट एस पी चॉइस, अगर के इरविंग खेल रहे तो फिर आप इनको PPP बना दिए बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर के इरविंग खेलेंगे तो यहाँ पर इतने ज़्यादा ये पॉइंट नहीं देंगे। अगर के इरविंग नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर पॉइंट शूटर है, उसी के साथ साथ रिबाउंड असिस्ट बहुत ज़्यादा देने वाले। यहाँ से आपको एक बेस्ट पिक मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से यही बेस्ट पिक है शूटिंग गार्ड से। अगर बात करूँगा यहाँ पर स्मॉल फॉरवर्ड, तो स्मॉल फॉरवर्ड से भी ब्राउन एज ए स्टार्टर देखने को मिलेंगे। जे हैरिस लास्ट मैच में एज ए स्टार्टर खेले थे। अगर लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो जे हैरिस एज ए स्टार्टर खेलते हुए बेस्ट टाइम मिला था, उसके साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस। बी ब्राउन की अगर बात करूँ तो डिफेंसिव खेलते, जेल में ट्राई कर सकते हैं लेकिन स्मॉल लीग में बहुत ज़्यादा रिस्की, क्योंकि यहाँ पर ये डिफेंसिव खेलते हैं, रिबाउंड असिस्ट और उसी के साथ साथ स्टील ब्लॉक दे सकते हैं, बाकी पॉइंट आपको बहुत कम देंगे। जे हैरिस का लास्ट मैच बढ़िया गया था, एज ए स्टार्टर खेले थे जो सेकंड मैच रहा था, तो सेकंड मैच में भी जे हैरिस एज ए स्टार्टर खेले थे। तो यहाँ पर भी जे हैरिस का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा 26 मिनट खेले थे, 17.6 रिबाउंड और 1 असिस्ट। बी ब्राउन ने यहाँ पर भी स्टार्ट किया था और यहाँ पर भी बॉय पॉइंट देखेंगे, बहुत कम डिफेंसिव ज़्यादा खेलते, बाकी रिबाउंड असिस्ट अच्छे खासे देंगे। और जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर जे ग्रीन पॉइंट देखिए, उसी के साथ साथ टाइम देखिए, तो क्रेडिट्स और आपको मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ जे हैरिस एज ए स्टार्टर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कंफर्म नहीं स्टार्ट करेंगे या नहीं खेलेंगे, अगर के इरविंग खेलते तो फिर यहाँ पर एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। बी ब्राउन यहाँ से कंफर्म यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, 6.5 क्रेडिट के प्लेयर है, डिफेंसिव प्लेयर है, चाहे तो आप इनको क्रेडिट से वो ट्राई कर सकते हो। यहाँ से आपको जेग्रीन एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। जेग्रीन का परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया, क्यों ड्यूरेंट यहाँ पर खेल नहीं रहे, आउट हो चुके, बाकी जे हैरिस एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। और जे हैरिस का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, क्योंकि के इरविंग यहाँ पर खेल नहीं रहे थे और लास्ट मैच का परफॉर्मेंस अच्छा खासा टाइम मिला था, उसी के साथ साथ परफॉर्मेंस अच्छा खासा था। बाकी सेकंड मैच में भी एज ए स्टार्टर खेले थे और यहाँ पर भी 24 मिनट खेले थे, 10.6 रिबाउंड। तो यहाँ पर एवरेज प्लेयर है, 9.5 क्रेडिट के प्लेयर है। अगर आपको यहाँ पर के इरविंग को पिक करना है तो फिर जे हैरिस को यहाँ पर पिक करने के लिए आपके पास यहाँ पर थोड़े से क्रेडिट कम पड़ने वाले। बाकी यहाँ से जे ग्रीन मस्ट आवे, पावर फॉरवर्ड से आपको कोई बेस्ट पिक नहीं मिलेगा, 100% अपोनेंट के पास आपके रहने वाला है। बाकी यहाँ से डी जॉर्डन एज अ स्टार्टर खेलेंगे, डी जॉर्डन का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे एज अ स्टार्टर एवरेज परफॉर्मेंस रहता है हर मैच में। अगर लास्ट मैच में अगर देखेंगे 28 मिनट खेले थे, 9 पॉइंट, उसी के साथ साथ 6.6 रिबाउंड, 3 असिस्ट और एक ब्लॉक किया था। बाकी जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी एज अ बेंच प्लेयर खेले थे, 27 मिनट, 10 पॉइंट, उसी के साथ साथ 8 रिबाउंड और 4 असिस्ट। और आज के मैच में एज अ स्टार्टर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बाकी अगर बात करूँ यहाँ से तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यल सेलमेंट और उसी के साथ साथ टी जॉनसन। के इरविंग खेलते तो के इरविंग पर ध्यान रखना, बेस्ट प्लेयर है। अगर बात करूँगा यहाँ पर लॉस एंजल लिकर, डी चार्लर, लास्ट मैच इनका बढ़िया गया था। अगर डी चार्लर का लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो एज ए स्टार्टर खेल रहे थे, ए डेविस खेल नहीं रहे थे, इनको अच्छा खासा टाइम मिला था, उसी के साथ साथ जो टाइम मिला था तो 32 मिनट मिले थे, 24.1 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 3 असिस्ट और 4 स्टील किए थे। जो सेकंड मैच रहा था तो टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कम मिला था, बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस एवरेज रहा था। और जो थर्ड मैच रहा था तो यहाँ पर भी एवरेज यहाँ पर परफॉर्मेंस था और एवरेज पॉइंट थे। तो चाहे तो आप इनको पिक कर सकते हो या फिर ड्रॉप कर सकते हो। 11.5 क्रेडिट के प्लेयर है, ये डेविस नहीं खेल रहे तो फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले एक और ये कैरोस यहाँ पर आपको एज अ बेंच प्लेयर मिलेंगे, उसी के साथ साथ क्रेडिट से और मिलेंगे। केलियोडोपॉप एज अ स्टार्टर खेलेंगे, डिफेंसिव खेलते, बाकी इनको यहाँ पर जीएल में ट्राई कर सकते हो। टी हॉर्टन टकर, लास्ट मैच इनका भी बढ़िया नहीं गया है, बाकी यहाँ पर आप दोनों को भी यहाँ पर जीएल में यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। टकर के यहाँ पर 6 मिनट मिले थे, पॉइंट कोई नहीं, उसी के साथ साथ कोई रिबाउंड नहीं, कोई स्टिल नहीं है। जो सेकंड मैच रहा था तो टकर को यहाँ पर 25 मिनट मिले थे, उसी के साथ साथ 10.5 असिस्ट और एक ब्लॉक किया था। पॉप की अगर बात करूँ तो 19 मिनट यहाँ पर मिले थे, 7.1 रिबाउंड, उसी के साथ साथ एक ब्लॉक और 2 स्टिल। और जो लास्ट मैच रहा था टाइम अच्छा खासा मिला था लेकिन पॉइंट बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर ये डिफेंसिव ज़्यादा खेलते इसीलिए आपको थोड़े से यहाँ पर कम पॉइंट देंगे। यल जेम्स गेम टाइम डिसीजन है, GTD खेलते या नहीं खेलते कंफर्म नहीं, अगर खेलते तो बेस्ट PP चॉइस आज के मैच में आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ केकुंजमा एज अ स्टार्टर लास्ट मैच में खेले थे, आज के मैच में भी आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। बेस्ट पिक है यल जेम्स के, अगर लास्ट मैच की बात करूँ तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। उसी के साथ साथ केकुंजमा पहले बैन से खेलते थे और बैन से बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे और उसी के साथ साथ ए डेविस के आउट होने की वजह से एज अ स्टार्टर खेले तो यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज रहा था। बाकी केकुंजमा का परफॉर्मेंस एज अ बेंच प्लेयर देख सकते हैं, उसी के साथ साथ यल जेम्स ए डेविस के होने के बाद परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ए डेविस इस मैच में आउट हो चुके थे तो यहाँ पर यल जेम्स का परफॉर्मेंस भी बेस्ट था। तो बेस्ट PP चॉइस यल जेम्स आपको मिल जाएंगे, केकुंजमा बेस्ट पिक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एज अ स्टार्टर खेलेंगे, उसी के साथ साथ बेस्ट प्लेयर है। ए डेविस आउट हो चुके हैं, उसी के साथ साथ एम मॉरिस बैंच से खेलेंगे, चाहे तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मेंटन हैरल बेस्ट बेंच प्लेयर है, उसी के साथ साथ एम गैसोल लास्ट मैच इनका बढ़िया रहा था, एज ए स्टार्टर खेलेंगे एम गैसोल। अगर मेंटन हैरल यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एम गैसोल की अगर बात करूँ तो ये भी डिफेंसिव खेलते लेकिन लास्ट मैच इनका
पॉइंट दे दिए थे इन्होंने, अच्छे खासे खेले थे। बाकी मेंटल हरल मस्ट है, बैन से बेस्ट पिक आपको मिलेंगे 18 मिनट, 17.6 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 6 साथ साथ 1 ब्लॉक और 1 स्टील। अगर सेकंड मैच की बात करूँ तो यम घोसला का परफॉर्मेंस है, ओरिजिनल परफॉर्मेंस है, डिफेंसिव ज़्यादा खेलते हैं। बाकी यहाँ पर मेंटल हरल, यहाँ पर लास्ट जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर इनका भी परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज रहा था। तो दोनों प्लेयर में से यहाँ पर मेंटल हरल थोड़े से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बैन से खेलेंगे, पॉइंट अच्छे खासे देंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर रिबाउंड भी देंगे। बाकी एम घोसला यहाँ पर डिफेंसिव खेलेंगे और यम मेंटल हरल जो है तो ऑफेंसिव खेलेंगे। तो अगर बात करेंगे हम फाइनल ड्रीम इलेवन टीम, तो के इरविस अगर नहीं खेलते तो ये मेरी ड्रीम इलेवन टीम रहने वाली। बाकी अगर के इरविस खेलते तो फिर के इरविस फिर इंपॉर्टेंट है। अगर के इरविस खेलते आज का मैच तो के इरविंग यहाँ पर मस्ट आए, उसी के साथ साथ डी चॉडलर को मैं यहाँ पर क्रेडिट की वजह से ड्रॉप करना पड़ेगा। बाकी यल सेलमेंट एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, टी जॉनसन एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, दोनों को भी बेंच से अच्छा खासा टाइम मिलेगा। बाकी क्रेडिट सेवर की वजह से मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ जे हार्डन मस्ट आए, उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर के इरविंग खेल रहे तो फिर मैं यहाँ पर जे हार्डन को यहाँ पर पीपी बनाऊंगा और उसी के साथ साथ यल जेम्स को यहाँ पर एसपी बनाऊंगा। बाकी यहाँ से टी हॉर्टल ट्रकर यहाँ पर एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, उसी के साथ साथ पॉप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉप डिफेंसिव खेलते और टी ऑर्टन टकोर के यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट की वजह से मैं इनको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। यल जम्स गेम टाइम डिसीजन है, अगर ये खेलते तो बेस्ट है एसपी चॉइस आज के मैच में। कि अगर यहाँ पर खेले यहाँ पर के इरविंग उसी के साथ साथ जे हार्डन अगर दोनों खेलते तो फिर यहाँ पर यल जम्स को मैं यहाँ पर एसपी बना दूंगा। अगर यहाँ पर के इरविंग नहीं खेलते तो फिर जे हार्डन एसपी और मेरे यल जम्स यहाँ पर पीपी होने वाले। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए अगर यहाँ पर के इरविस खेलते तो फिर जे हार्डन को थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा और पॉइंट भी जे हार्डन थोड़े से यहाँ पर कम देने वाले। अगर यहाँ पर के इरविंग नहीं खेलते तो जे हार्डन असिस्ट रिबाउंड बहुत ज़्यादा देने वाले, इसलिए मैं यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर एज ए एसपी चले जाने वाला हूँ, उसी के साथ साथ यल जम्स के साथ पीपी चले जाने वाला हूँ। अगर के इरविंग खेलते तो यहाँ पर जे हार्डन थोड़े से कम पॉइंट देंगे, उसी के साथ साथ यल जम्स अच्छे खासे पॉइंट देंगे। क्योंकि ए डेविस जिनके यहाँ पर ये मेन प्लेयर है ये आउट हो चुके हैं और ये यल जम्स तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अटेम्प्ट ऑफ शॉट लेंगे। बाकी ऐसे के कंजुमा एज अ स्टार्टर खेलेंगे, बेस्ट प्लेयर है, इनको मैं यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ पर पिक करके जा रहा हूँ। बाकी ऐसे जे ग्रीन के अलावा आपको कोई अच्छा खासा प्लेयर नहीं मिलेगा। क्यों ड्यूरेंट आउट हो चुके, ए डेविस आउट हो चुके, ये मॉरिस एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, उसी के साथ साथ जे ग्रीन एज अ स्टार्टर खेलेंगे और उसी के साथ साथ अच्छे खासे पॉइंट देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर जे ग्रीन के साथ इस मैच में जा रहा हूँ। बाकी आप अगर चाहो तो आप पावर फॉरवर्ड से यहाँ पर यम मॉरिस को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ पर जे ग्रीन के साथ जा रहा हूँ। अभी हमारे पास बचते 10 क्रेडिट, 10 क्रेडिट में हमको मेंटल हरर यहाँ पर इजीली आ जाता है। मेंटल हरर एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे और बेंच से बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट शूटर है। उसी के साथ साथ यही हुई हमारी ड्रीम इलेवन टीम। चेंजेस की अगर बात करूँ तो कोई चेंजेस यहाँ पर करने के चांसेस नहीं। टी जॉनसन और यल सेलमेंट बेंच से खेलेंगे और दोनों यहाँ पर क्रेडिट सेवर है। अगर के इरविंग खेलते हैं तो के इरविंग मस्ट हैव है, क्योंकि यहाँ पर इस टीम की यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है के इरविंग या फिर जो आर्डन, दोनों में से कोई एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और कभी कभी दोनों भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस देते हैं। के इरविंग एक मैच में आपको लगभग यहाँ पर 40 पॉइंट भी दे सकते हैं, इतनी इनकी कैपेसिटी है, इसलिए मैं यहाँ पर के इरविंग को यहाँ पर डिफॉल्ट यहाँ पर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। अगर एसपी की बात करूँ सेम यहाँ पर के इरविंग खेले तो यहाँ पर यल जम्स मेरे यहाँ पर एसपी रहने वाले, जे आर्डन यहाँ पर मेरे पीपी रहने वाले। तो ये हुई है हमारी सेकंड ड्रीम इलेवन टीम अगर यहाँ पर के इरविंग खेलते। अगर के इरविंग नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर जो टीम है वो भी मैंने आपको दिखा दी। बाकी अगर ये सेम टीम अगर के इरविंग खेलते, अगर के इरविंग नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर सेकंड टीम आप ये ट्राई कर सकते हो विदाउट के इरविंग की ये टीम। बाकी यहाँ से डी चॉडलर भी हमारे पास है, उसी के साथ साथ जे हैरिस भी है जो कि एज ए स्टार्टर खेलेंगे और बाकी कोई चेंजेस नहीं अगर यहाँ पर के इरविंग खेल रहे तो ये हमारे सेकंड टीम। तो ठीक है गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसी के साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी माते मैंने बता दी किसे पिक करना है किसे नहीं, दोनों भी टीम आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, उसी के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। और हो सके तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट वाले कंटेस्ट अभी से ज्वाइन कर लेना वीक अपोनेंट देख के, और हो सके तो हिल टू हिल ज्वाइन करना इस मैच में। तो जो भी 3 मेंबर आपको ज्वाइन करना है बाकी लाइनअप के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसी के साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।